होशंगाबाद में एक शराबी ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक से मारपीट की और गुस्से में उसकी उंगली दांतों से काट कर खा गया। इस दौरान शराबी ने बचाने आए भाई को भी काट लिया। पिपरिया में शराबी तारिक को शराब पीने के लिए पैसे नहीं देना एक युवक को महंगा पड़ गया। तारिक को शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलना इतना नागवार गुजरा कि शराबी युवक ने पैसे नहीं देने पर युवक के हाथों की उंगली दांतों से चबा कर खा गया। इतना ही नहीं, नशेड़ी युवक ने बचाने पहुंचे पीड़ित के भाई को भी काट लिया। वही मामले में मंगलवार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पीड़ित अजय भार्गव ने बताया कि जब वे शाम को दुकान बंद कर घर जा रहे थे, उसी समय तारिक नामक युवक उनकी दुकान पर आया और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। पीड़ित द्वारा पैसे नहीं देने पर झूमा झपटी करने लगा। इसी दौरान पीड़ित का छोटा भाई बचाने पहुंचा तो आरोपी तारिक ने उसे काट लिया। जी, घटना ऐसी हुई कि मैं अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, मेरी फोटो फ्रेमिंग की दुकान है, तो एक आदमी, ये तारिक नाम का आदमी, मेरे पास आया, मुझसे पैसे मांगे, झूमा झटकी की। जब मैंने नहीं दिए तो मेरा छोटा वाला मुझको बचाने आया तो उसको इसने काटा, वो फिर उसके बाद मेरी उंगली काट के गया, पूरी उंगली काट के खा गया। जी, ये रात में 7:30 बजे की है, 25 तारीख की। जी, शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था। जी, मैं जैसे आना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी के लिए सख्त से सख्त सजा हो और ऐसा आदमी कभी भी बाहर ना निकले, क्योंकि ये तो कानूनी अपराध, ये तो आदमखोर है। ऐसे इंसान को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।